दोस्तों कैसे हैं, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स की इस वीडियो में। दो मिनट से ज़्यादा की थोड़ी सी वीडियो बनेगी है, लेकिन सीज़न वही है, दो मिनट की करंट अफेयर्स की वीडियो एक दिन वीडियो नहीं आ पाई है, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, उसकी भरपाई हम कर देंगे। देखिए, बहुत बड़ा पुरस्कार है, मैन बुकर पुरस्कार की घोषणा हो गई है कल, है ना, और इसकी ये क्वेश्चन अब पूरे एक साल तक आएगा, लगातार परीक्षाओं में आता है और इसमें नई बातें हुई हैं और दो लोगों को दिया गया है, तो और भी डेंजरस क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए, जो मैन बुकर पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में, इसमें सर्वोच्च पुरस्कार एक प्रकार से देखा जाए तो माना जाता है, नोबेल को अगर हटा दे तो, और उसमें फिक्शन के क्षेत्र में दिया गया है दो लोगों को, और ये पहली बार हुआ है 1992 के बाद, 27 साल में पहली बार हुआ है कि ज्वाइंटली दो लोगों को दिया गया है, और ये जो प्राइज मनी है वो भी स्प्लिट होगी, 50,000 पाउंड की प्राइज मनी होती है, और इस बार का ये पुरस्कार मिला है कनाडा की मार्गरेट एटवुड को उनकी कृति द टेस्टामेंट्स के लिए, ठीक है, और दूसरा है बर्नेडाइन एवरिस्टो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये पहली अश्वेत महिला हैं जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है, और इनकी पुस्तक है गर्ल वुमेन अदर्स, गर्ल वुमेन अदर, तो ये दो पुस्तक है। इसमें दो बड़ी घटनाएं हुई हैं कि ज्वाइंटली दिया गया है जो कि दिया नहीं जाता कभी भी, और पहली बार अश्वेत महिला ने भी जीता है, ये ब्रिटेन की हैं, ये कैनेडा की हैं, इनकी पुस्तकें भी आप कर लीजिएगा, चार क्वेश्चन कम से कम बनेंगे सिर्फ मैन बुकर से ही, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैन बुकर और मैन बुकर इंटरनेशनल दो अलग अलग प्राइजेज होती हैं, आई होप आप लोगों को पता होगा, मैन बुकर इंटरनेशनल मैंने पहले कराया हुआ है, आप लोग देखिएगा प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट दी हुई है, तो ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं नोबेल प्राइजेस, तो आप लोगों ने देख लिए होंगे सारे नोबेल प्राइज एक साथ एक जगह कुछ ट्रिक के साथ, ये कुछ फनी ट्रिक हो सकते हैं, और इसका लक्ष्य है सिर्फ कि हम इनको याद रख लें और कुछ नहीं, और इसमें हम नाम भूलते हैं इसलिए कन्फ्यूजन बहुत होती है, ठीक है, तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं। जो पीस का मिला है वो इजी है, सिंपल है, इथोपिया के राष्ट्रपति अबी अहमद अली को मिला है, ये सिंपल है। देखिए, नोबेल पुरस्कारों में सबसे ज़्यादा पीस और लिटरेचर का आता है, है ना, पीस लिटरेचर, और अब इकोनॉमिक्स का इंडियन को मिल गया, इंडियन ओरिजिन के लोग को मिल गया है, तो वो श्योर आएगा, ठीक है। तो अबी अहमद ये इथोपिया के राष्ट्रपति है, और इनको दिया गया है कि इन्होंने अपने नेबरिंग कंट्री के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट थे उसे काफ़ी हद तक सुलझा लिए हैं, इट्रोरिया के साथ, इरिटोरिया जो देश है इनके बगल में उसके साथ इन्होंने सुलझा लिया है, और जो सशस्त्र संघर्ष था उस पर कमी आई है, तो इसके लिए इनको ये सम्मान दिया गया है, साहित्य ये शांति का शांति पुरस्कार के लिए बहुत लोग इसमें नाम आ रहे थे, लेकिन अंत में एक गुमनाम नाम को अगर देखा जाए तो वरीयता दी गई है, और ये अच्छी बात है। अगला है इकोनॉमिक्स, तो देखिए पीस वाले के लिए कोई भी ट्रिक बनाने की मेरे हिसाब से रिक्वायरमेंट नहीं बनती है, वो याद हो जाएगा आपको। इकोनॉमिक्स का दिया गया भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अभिजीत बनर्जी जी को, अभिजीत जी बनर्जी जी, और इनकी वाइफ उनके साथी एस्थर डुफ्लो जो कि फ्रेंच मूल के अमेरिकन नागरिक हैं, उनको दिया गया है इन दोनों लोगों को, और तीसरे हैं माइकल क्रेमर, ये भी यूएस के, इन तीनों लोगों को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया, गरीबी को रिड्यूस करने के लिए जो इन्होंने कार्य किए हैं, जो इनके सिद्धांत दिए गए हैं उसके ऊपर इन लोगों को मिला है। एस्थर डुफ्लो वैसे बराक ओबामा के पूर्व सलाहकार भी रह चुकी है, तो अभिजीत और एस्थर जो है हस्बैंड वाइफ हैं, तो इसको हमने इस तरह से ब्रेकअप करने की कोशिश की है कि अभिजीत और एस्थर माइकल जैक्सन की तरह नाचे, ये अगर हम एक एक शब्द पकड़ते ना तो दिक्कत होती, एक सेंटेंस बना दिया तो थोड़ा सा हमको एक सिस्टमेटिक सा लगेगा, है ना, एक लॉजिकल से कुछ लगेगा, है ना, अभिजीत और एस्थर माइकल जैक्सन की तरह नाचे, तो इसमें आपका इकोनॉमिक्स लगभग कवर हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, वैसे भूलेंगे नहीं आप क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ये इस समय, तो ये हो गया। दूसरा फिजिक्स का भाई दिया गया है कॉस्मोलॉजी के क्षेत्र में, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज करने के क्षेत्र में, तीन लोगों को दिया गया है, जिन्हें जेम्स पीबल्स अमेरिकन हैं, मिशेल मेयर स्विस हैं, और डिडियर क्लेवोज ये भी स्विस हैं, इन तीन लोगों को दिया गया है, और इसमें देखिए क्या किया मैंने, जेम्स और मिशेल के लिए डिवाइडर क्लोज, ठीक है, मुझे याद हो जाएगा, और आप कोशिश करें ये चार पांच सेंटेंस लिखेंगे तो सेंटेंस ही आपको याद करने, दैट्स ऑल, है ना, जेम्स और मिशेल के लिए डिवाइडर क्लोज याद हो जाएगा आपको निश्चित रूप से, निश्चिंत रहिए, ठीक है, कॉस्मोलॉजी के क्षेत्र में काम किया। नेक्स्ट है केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान, इसमें लिथियम जो बैटरी होती है उसके क्षेत्र में काम किया गया, जो आपके हमारे लैपटॉप में मोबाइल में आप देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा उपयोग है, तो लिथियम बैटरी को अपग्रेड करने में और मजबूत करने के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है, और दिया गया है तीन लोगों को, जॉन बी गुडेनफ, एम स्टेनले वेटिंग, और अकीरा योशिनो को, गुडेनफ जी यूएस के हैं, वीटिंग जी ब्रिटेन, और अकीरा योशिनो जापान, नाम से पता लग जाएगा इनका। देखिए थोड़ा सा टिपिकल है, आखिर जॉन का स्टील गुड अनफ है, है ना, आखिर मतलब अकीरा से, जॉन मतलब जॉन गुड अनफ, और स्टील मतलब स्टैनले, ठीक है, कोशिश करेगा याद करने की, मेरे हिसाब से याद होगा। नेक्स्ट है
साहित्य का, देखिए साहित्य का भी इंपॉर्टेंट बहुत हो गया है, लास्ट ईयर दिया नहीं गया था इस बार, इसलिए दो लोगों को दे दिया गया, 2018 वाला भी 2019 वाला भी। 2018 वाला दिया गया ओल्गा तुकारुक को, पोलैंड की हैं ओल्गा जी, 2018 ओल्गा, और 2019 वाला पीटर हैंडकी को, ऑस्ट्रिया के हैं। किसको? पीटर हैंडकी। अब देखो इसको कैसे, ओल्गा ने पीटर को हैंडल किया, ओल्गा ने पीटर को हैंडल किया, बताइएगा ये कुछ लाइनें कैसी लगी आपको। मैं ज़्यादा ट्रिक्स डेवलप नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ कोशिश की है नोबेल प्राइज़ के लिए, क्योंकि ये हम कमी करनी मजबूरी बन जाती है। ओल्गा ने पीटर को हैंडल किया, डन। नेक्स्ट है चिकित्सा में, मेडिसिन में विलियम जे काइलिन यूएस के हैं, ग्रेग एल सेमेंजा यूएस के हैं, और सर पीटर रेडक्लिफ यूके के हैं। रेडक्लिफ से आपको याद है कि हमारे देश का बॉर्डर निर्धारित किया था इन्होंने, इंडिया का, है ना। तो इससे याद कर सकते कि रेडक्लिफ ने विलियम सेमेंजा को बांटा। रेडक्लिफ, जो लोग इतिहास को थोड़ा जानते हैं उन्हें पता होगा कि रेडक्लिफ का नाम जाना जाता है भारत पाकिस्तान बंटवारे के लिए, रेडक्लिफ लाइन भी है गुजरात में। तो यह हो गया, रेडक्लिफ ने विलियम सेमेंजा को बांटा, यह आपका डन हो जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।